हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 7:30 और हम अभी भी घर पे हैं, मतलब निकलेंगे 5 मिनट में। एक्चुअली आंटी आ गई हैं तो वो क्लीनिंग कर रही हैं, उनको 5 मिनट और लगेगा, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। और बच्चे रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, सभी कोई रेडी है, बस आंटी का क्लीनिंग हो जाएगा और हम निकल जाएंगे। और ये है बाहर का वेदर और ये सूख रहे हैं कपड़े, आप इग्नोर करें। और अंकल जी लोग चले गए अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ थे, आंटीज भी थी गार्डन में, आई थिंक आंटीज अभी भी हैं। नहीं, ये अंकल नहीं, आंटी चली गई, ये दूसरे अंकल लोग हैं वहाँ, थोड़े और बूढ़े वाले अंकल लोग रहते हैं। तो ये है अभी का मौसम और ये है मेरे तिवारी जी। से हाय तायो, से गुड मॉर्निंग, से लाउडर हाय, गुड मॉर्निंग। तायो को मैं बोलती हूँ थोड़ा लाउडर बोलने, बेटा कोशिश कर रहा है, कोशिश। और अभी बस हमारा दिन ऐसे शुरू हो चुका है, हम निकलने वाले हैं स्कूल के लिए। 5 मिनट में आंटी कर लेंगे और हम 5 मिनट यानी कि 7:40 तक हम पहुंच जाएंगे। 7:45 में असेंबली का टाइम है और मैं 7:30 तक इसलिए स्कूल पहुंच जाना चाहती हूँ क्योंकि बच्चों का जो होता है ना, वो असेंबली लगने पर बहुत ज़्यादा धक्का उक्का होने लगता है सीनियर क्लासेस के बच्चे होते हैं। बट अभी मैं इनको थोड़ा सा, मैम को बोलूँगी कि इनको केयरफुली अंदर ले ताकि उन बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे, क्योंकि बड़े बच्चे ऐसे होते हैं, हम लोग भी ऐसे होते थे, धक्का उक्का करना असेंबली में, मतलब मज़ा आता है उस सब करने में। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपको स्कूल के रास्ते में या फिर स्कूल। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के, आई थिंक 10:30-11, मैंने टाइम अच्छे से देखा नहीं, बट इतना ही बज रहा है, 10:30 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं, मतलब 10:30 और 11 के बीच में बज रहा है। और अभी मैं हूँ अपने काम से फ्री, मतलब बच्चों को स्कूल भेज के जिम, फिर आके फिर अपना थोड़ा बेड वगैरह सेट करके और किचन में दूध दूध चढ़ा के अभी मैं पीने बैठी हूँ चाय। मैंने नहा लिया है, मैंने पूजा कर लिया है। मेरा एक इशू है कि मैं पूजा करने से पहले चाय पानी वगैरह नहीं पीती, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे तेज प्यास लगा था तो मैंने पानी पी लिया जल्दी जल्दी। अभी मैं पीने बैठी हूँ चाय, तो अभी मैं इंजॉय करूँगी अपना चाय और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। बच्चे, आपने देखा पहले वीडियो में कि बच्चे स्कूल चले गए, आज वो काफ़ी खुश थे, आज उन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। सुबह वो खुद से उठ गए और आराम से गए। जब मैं आज उनके क्लास में गई तो एक छोटे बच्चे ने मुझे कंप्लेन किया कि ये मुझे मारते हैं, तो मैंने उनको डांटा कि आप क्यों मारते हो। तब तक उनकी मैम आ गई तो उन्होंने बोला कि आप क्यों डांट रही हैं, तो मैंने कहा कि, उसने बोला कि ये मारते हैं, तो मैं इनको समझा रही हूँ। बोला अरे नहीं, उन्होंने, मैम ने मुझे बोला कि नहीं, वो ये मारपीट नहीं करते हैं। एक्चुअली बच्चे जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं तो मैं बच्चों को बोलती हूँ डोंट इरीटेट मी, डोंट इरीटेट मी। तो चूंकि ये दोनों मेरे पास बैठते हैं तो ये दोनों भी मेरे साथ उतने ही ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं डोंट इरीटेटेड मैम, डोंट इरीटेटेड। तो ये वो चिल्लाते हैं तो उनको लगता है कि ये मार रहे हैं, तो ये एक्चुअली मुझे सेव करते, तो मुझे बहुत हंसी आ गई। मैंने मैम को कहा ओ स्कूल में आप इनकी मम्मी हैं और ये लोग दोनों मिलके आपको सेव कर रहे हैं, तो मैम भी हंसने लगी। मैम एक्चुअली बहुत ज़्यादा उनको, मतलब उनका केयर करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी टीचर्स है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चे को केयर नहीं होता है, मैम से मैं जब भी मिलती हूँ बहुत अच्छे से बोलती हूँ। और उनकी जो सिस्टर हैं क्लास की, जो बच्चों को सुसु पॉटी वगैरह लेके जाती है, वो भी बहुत अच्छी है। तो चलिए आज हो गए थे थोड़ी सी लेट क्योंकि आंटी आ गई थी, तो स्कूल में असेंबली लग गया था, बट फिर मैंने मैम को, मैम से माफ़ी मांगी कि हम लेट हो गए, तो मैम बोली कोई बात नहीं, जूनियर सेक्शन का चलता है। तो अभी वेकेशन का मैंने पूछा नहीं है, आज मैं जाके पूछूंगी कि वेकेशन कब से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको किचन में, तब तक के लिए आप ये अपना चाय इन्जॉय करें। हेलो, तो मैं बनाने लगी हूँ सब्जी, चावल दाल मैंने बना लिया है। मैंने सोचा कि आज बच्चों को लाने से पहले ही खाना बना के रेडी रखती हूँ। एक्चुअली वो क्या रहा है ना, रॉकी ना आज 15 दिन हो गया उसने अच्छे से खाना नहीं खाया, 15 डेज से। उसका क्या चलता है ना कि वो खाती है तो खाती है और नहीं खाती तो फिर नहीं ही खाती है। तो आज 15 रोज मुझे लगा उसके पेट में दूध पीने से कीड़ा हो गया है, तो मैंने उसको दवाइयाँ दे दी हैं, बट फिर भी उसने अच्छे से बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से सब्ज़ी बना के रख दूँ ताकि आते के साथ मैं उसको अच्छे से खाना पहले खिला दूँ, क्योंकि उसका खाना खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत वीक हो जाती है स्कूल की वजह से। और सबसे बड़ी बात कि वो लंच भी नहीं करती है, वो लंच भी लेके आती है और उसको शाम को बैठ के खाती है। तो इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं
उसके आने से पहले पहले सब्जी बना दूं ताकि आते के साथ उसको खाना खिला दूं। तो मैं आज बना रही हूँ बोड़ा और आलू की सब्जी। बोड़ा कभी कभी अच्छी लगती है, तो आज मैं बहुत दिन बाद लेके आई हूँ। मैंने सोचा चलो आज इसकी सब्जी बनाते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ सब्जी। चलिए पूरा दिखाती हूँ। हाय, मैं आ गई हूँ रूम में। चावल दाल मैंने बना लिया है, आलू चढ़ाया हुआ है रॉकी के लिए। मैं आजकल उसके लिए रोज़ आलू बनाती हूँ, पर पता नहीं मतलब उसके साथ पता नहीं क्या होता है, तो टाइम का कार। तो मैं आलू चढ़ा के आई हूँ, तो ये सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। मैं जल्दी जल्दी बना के फिर जाऊँगी, क्योंकि अभी उनके आने में है टाइम, मुझे लेने जाने में भी। तो मुझे बहुत आ रही थी नींद, तो मैंने सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ। सो मैंने बना ली अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, ज़्यादा नहीं लिप्टिन, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो ज़्यादा पी नहीं सकते। और मैंने इनफ चाय पिया है मॉर्निंग में, तो इसलिए। और ड्रेस एक यहाँ पे मंगवाया था बहुत दिनों पहले, बट उसकी फिटिंग नहीं आ रही थी। आजकल थोड़ी सी फिटिंग की इशू हो जाती है मेरे साथ, तो वो मैंने नीचे टेलर को दे के आया था, अंकल थे उनको, तो मैं उनको बोल के आई थी कि मैं आऊँगी लेने, बट अंकल को लगा शायद कि मैं नहीं आ पाऊँ, मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, उनको पता है, तो उन्होंने भिजवा दिया ड्रेस। तो ये चल रहा है, अभी मैं सब्जी बना के फिर से जाऊँगी बच्चों को लेने, फिर बच्चे आएंगे, फिर हम सब लोग खाना खाएंगे, मुझे भूख लगी है। तो कॉफ़ी इंजॉय, मैं आ गई हूँ रूम में। चावल दाल मैंने बना लिया है, आलू चढ़ाया हुआ है रॉकी के लिए। मैं आजकल उसके लिए रोज़ आलू बनाती हूँ, पर पता नहीं मतलब उसके साथ पता नहीं क्या होता है, तो टाइम का कार। तो मैं आलू चढ़ा के आई हूँ, तो ये सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। मैं जल्दी जल्दी बना के फिर जाऊँगी, क्योंकि अभी उनके आने में है टाइम, मुझे लेने जाने में भी। तो मुझे बहुत आ रही थी नींद, तो मैंने सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ। सो मैंने बना ली अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, ज़्यादा नहीं लिप्टिन, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो ज़्यादा पी नहीं सकते। और मैंने इनफ चाय पिया है मॉर्निंग में, तो इसलिए। ड्रेस एक यहाँ पे मंगवाया था बहुत दिनों पहले, बट उसकी फिटिंग नहीं आ रही थी। आजकल थोड़ी सी फिटिंग की इशू हो जाती है मेरे साथ, तो वो मैंने नीचे टेलर को दे के आया था, अंकल थे उनको, तो मैं उनको बोल के आई थी कि मैं आऊँगी लेने, बट अंकल को लगा शायद कि मैं नहीं आ पाऊँ, मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, उनको पता है, तो उन्होंने भिजवा दिया ड्रेस। तो ये चल रहा है, अभी मैं सब्जी बना के फिर से जाऊँगी बच्चों को लेने, फिर बच्चे आएंगे, फिर हम सब लोग खाना खाएंगे, मुझे भूख लगी है। तो कॉफ़ी इंजॉय कर, डायो रॉकी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, what happened? Nothing. Come. On the phone, the phone is gone. Oh. Thank you. Happy life. Yeah. Fun. So much fun. Yeah. In your class. Yeah. What are you doing in class? रॉकी कभी कभी लव हमको कर देती है, जब उसका दिल करता है तो अभी पापा को लव करिए। मम्मी को करो, मम्मी को करो। थैंक यू करती है। लंच की थी बेटा? क्या लंच की थी? लंच की मतलब लंच नहीं की। ओके, और टाइयो आप लंच किए बेटा? क्या लंच किए? हाँ मतलब टायो आधा लंच किया आधा नहीं किया। रॉकी कुछ नहीं की है, और अभी घर जाके देखते हैं। चावल दाल सब्जी सब्जी मैं बना के आऊँ, जाने के बाद तुरंत ड्रेस चेंज करके तुरंत इनको खाना देना, खास करके रॉकी को। रॉकी एकदम नहीं खाना खा रही है, कल रात को भी इसने कुछ नहीं खाया। तो ये है हमारा आज का लंच, राइस दाल तड़का, आलू बोड़ा की ड्राई सब्जी और रायता। सो एंजॉय योर लंच। ये है टायो जो कि सो चुका है, ये है रॉकी, ये भी सो चुकी है, तो अभी मैं निश्चिंत से सो सकती हूँ, क्योंकि बच्चे सो चुके हैं। तो मैं भी चली रेस्ट करने, मिलती हूँ आपको इवनिंग में, कितनी बाय। हाय, तो ये है इवनिंग का टाइम, अभी बज रहे हैं 5:00 या 5:15, 5:15। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, नीचे की मार्केट में, मतलब सोसाइटी की जो मार्केट होती है उसमें हम जा रहे हैं,
क्योंकि रॉकी और टायो का हो गया है जूस खत्म, तो अभी हम 2 या 3 डेज की जूस ले आएंगे, फिर यहाँ एक मॉल है वहाँ से लेंगे, वहाँ पे अच्छी जूस मिल जाती है तो हम वहीं से लेंगे, यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है तो इसलिए हम यहाँ से सिर्फ 3 या 4 दिन के ले आते हैं, जो इस मतलब सैटरडे तक चल जाए, सैटरडे को हम फ्री होंगे तो हम सैटरडे या संडे को जा करके ले आएंगे। तो हम जा रहे हैं नीचे और हमें है 2-3 काम, तो आती हूँ मैं मार्केट से, फिर मैं आपको मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, सो आज मैं बना रही हूँ मोमोज बनाने के लिए ये रिफाइंड ऑयल है, इसको मैंने ऐसे इस बॉटल में रख लिया है, तो 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, एकदम थोड़ा सा, ध्यान रहे ज्यादा तेल का यूज नहीं करना है। उधर मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा है, तो 1 चम्मच ये है लहसुन का पेस्ट, तो चूंकि हम चाइनीज बना रहे हैं तो लहसुन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से फ्लेवर आता है, तो 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल में डालेंगे हम ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच इतना लहसुन का पेस्ट, आप लहसुन काट के भी दे सकते हैं पर मैं पेस्ट डाल रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट के, पर चूंकि रॉकी खाएगी तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि अगर मुंह में गया तो फिर वो खाएगी नहीं, और आजकल वैसे ही उसने अन्न जल त्याग दिया है। तो 2 मिनट लहसुन को सॉटे करें, एक चीज याद रखें कि मोमोज बनाने में कोई भी चीज को पूरी तरह से भुनना नहीं है, और ये मैंने ले लिया है 1 छोटे साइज का पत्ता गोभी, इसको मैंने ग्रेट कर दिया है, आप इसमें शिमला मिर्च गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही, उतना जरूरी नहीं है, तो बस लहसुन डाल दिया मैंने, अब मैं डालूंगी ये सारा, सारा धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है, मैंने शुरू में ही कहा कि पकाना नहीं है इनको ज़्यादा, 50% ही कुक करना है, चाइनीज फूड में वैसे भी वेजिटेबल्स 50% ही कुक होते हैं, तो ये हो गया। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नहीं, आप देखिए हाफ आधा चम्मच है ये बस, और डालूंगी काली मिर्च, आधा चम्मच डालूंगी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इनको अच्छे से मिलाएंगे पहले, सॉरी इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा डालेंगे, 1 चम्मच और आधा चम्मच बस, और कुछ नहीं डालना है। पहले इनको थोड़ा सा मिला लेते हैं, पहले ही मैंने बोला कि इसको पूरा कुक नहीं करना है, और चूंकि ये पत्ता गोभी हमने ग्रेट कर लिया था पहले ही, तो ये 50% कुक हो चुका है, तो जस्ट बस इनको मिलाना है अच्छे से, जो कि हमने मिला लिया है, ये देखिए बस गैस को बंद करेंगे। ये मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा, इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, एक
चम्मच नमक डाला मैंने और एक चम्मच डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ये देखिए डन। जैसे हम कचौड़ी का आटा लगाते हैं ना, बस वैसे ही। ये देखिए आटा मैंने ऐसे मिलाया, नॉर्मल बस ऐसे ही मिलाना है, ठीक है। अब मैं आके का आपको बताती हूँ। तो मैं देखा इतना बड़ा गोल करना है, बहुत छोटे साइज का है, इसमें थोड़ा सा लगाना है रिफाइंड ऑयल, जैसा हम पूरी बनाते के लिए लगाते हैं। मैंने एकदम इसको छोटा सा, इतना छोटा इसको बेल लेना है, इतना छोटा और इतना ही पतला। इसमें डालना है एक चम्मच जो मसाला हमने रेडी किया, और फिर जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, जस्ट वैसे ही मोड़ के, और फिर इसके इस कोने को और इस कोने को से मिला, हो गया। एक्चुअली मैंने सारा मोमोज पहले बना लिया है, बस एक आपको दिखाने के लिए ना, ये रहे, तो हो गया। अब मैं इसको लगाऊंगी स्टीम पे पानी, और अभी इसका उबाल का वेट करेंगे, फिर उस पर मैं ढकूंगी ये वाला ढक्कन, फिर आगे की चीज़ें बताती हूँ। और ये मैंने दो रोटियां बनाई हैं तायो के लिए, वो ये सारी चीज़ें नहीं खाता। तो चलिए, ये देखिए मेरे मोमोज, ये अभी मेरे से खुल गए, ये देखिए नहीं चिपका, मतलब मोमोज हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल प्लेट, मोमोज दिखाएगी लगा ये है मेरी थाली की, ये है मेरी थाली की फाइनल प्लेटिंग, ये है मायोनीज और ये है मोमोज। सो एंजॉय योर डिनर, मैं आपको कल फिर मिलती हूँ एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।